उत्तर काशी गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम में भी नमामि गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद नमामि गंगे योजना में अम्मा गंगा के साथ साथ अम्मा यमुना को भी जोड़ दिया गया है। अभियान के अंतर्गत यमुना नदी से कई बोरे नए पुराने वस्त्र निकाले गए, साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। सामने आए हैं और यहाँ माँ गंगी यमुना जी में भी जो हालात गंगा जी के हैं वो कमोबेश वही हालत यमुना जी के भी हैं। यहाँ भी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु इस यमुनोत्री माँ जी के दर्शन करने आते हैं और बड़ी संख्या में जो हमारी महिला तीर्थयात्री हैं माँ यमुना जी को नए नए वस्त्र भेंट करती हैं, श्रृंगार का सामान भेंट करती है, उसमें चूड़ी बिंदी कंगी शीशा ये सब होता है जिससे माँ गंगा जी प्रदूषित होती हैं व्यथित होती हैं। और बहुत दफ़े मंदिर समिति के लोगों ने भी आपत्ति की है कि इस तरह की हरकतें न की जाए, माँ यमुना जी की जलधारा में वस्त्र ना बहाए जाए, लेकिन यात्री क्योंकि उनकी श्रद्धा ज़्यादा भारी पड़ती है तो इसलिए वो मानते नहीं। उनका कहना है कि हम यमुना जी के लिए अलग से कुछ वस्त्र लाए हैं और यमुना जी की जलधारा के लिए अलग से वस्त्र लाए हैं और इसी वस्त्रों से माँ यमुना जी बहुत प्रदूषित होती जगह जगह आप देखें रंग बिरंगे मतलब हजारों की संख्या में यहाँ कपड़े विसर्जित किए जाते हैं। नमामि यमुनया यमुनाम अहम सकल सिद्ध हेतु मुदा कलिंदगिरि मस्तके पदद मंडल पूर्वज्वला माँ यमुना जी के उद्गम स्थान श्री यमुनोत्री धाम से आप सभी को साधुवाद और प्रणाम। आप सभी के माँ यमुना जी मनोरथ पूर्ण करे। इसी जिस प्रकार से आप विदित हैं यहाँ पर अभी 6 माह से कपाट खुले हैं और यात्रा चल रही है और आजकल काफ़ी अच्छा मौसम भी है तो हम सबसे पहले हम धामों की यात्रा कर रहे हैं। तीर्थों में जहाँ भी हम जा रहे हैं सबकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है धामों के प्रति बन जाती है। खाली जाकर यमुनोत्री जाना या केदार बद्रीनाथ जाकर खाली वापस आ जाना ही यात्रा नहीं है। वहाँ पर जाना और दुर्गम पर्वतों पर किस प्रकार से हमको आचरण करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है ताकि हमारी जो प्रकृति है जिसने हमको संजोया है वो आगे तक चलती रहे।